वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस आज हम इन पेड़ पौधों के बारे में बिल्कुल भी बात नहीं करेंगे, यानी कि आज कोई भी हार्ड वर्क नहीं करेंगे, ओनली फॉर पानी डालना है। सो हम वो बाद में डालेंगे, लेकिन उससे पहले गाइस आज मुझे आप सभी से बात करनी है कि लोग गाइस पेड़ों को बचाने के लिए आगे आ रहे हैं। गाइस ऑक्सीजन की कमी हमें भविष्य में ना सहनी पड़े, इसीलिए गाइस बहुत सारे लोग अपने फॉलोवर्स पे एक फॉलोवर्स चुनने पर एक पेड़ लगा रहे हैं। सो गाइस मैं हालांकि इतना बड़ा डिसीजन तो नहीं ले सकता कि बाहर बाहर घर के बाहर जाके पेड़ लगा सकूं या ऐसा कुछ कर सकूं कि जिससे नए युद्ध को, मतलब आने वाला जो युद्ध है गाइस उसको प्रेरणा मिले। बट गाइस उससे भी बेटर कर रहा हूँ गाइस, मैं घर में जो कर सकता हूँ, मेरे से जो बन रहा है वो सब कुछ मैं कर रहा हूँ। टेनिस गार्डनिंग कर रहा हूँ गाइस, मैं छोटे छोटे पौधे तो मैं घर पर लगा सकता हूँ गाइस, तो वो मैं कर ही रहा हूँ। बस गाइस आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, मुझे सपोर्ट करो। और गाइस आप भी मेरी तरह घर पे तो पौधे लगा ही सकते हो ना, बाहर घर के बाहर भले ही गाइस नहीं जाके नहीं लगा सकते हो, बट गाइस अगर आपसे बनता है तो एक पौधा तो बिल्कुल लगाना है, एक पेड़ घर से बाहर। बट अगर नहीं बनता है तो घर के अंदर तो गाइस आप पौधे इस तरीके से लगा ही सकते हो। सो गाइस जो भी लोग ऐसा काम कर रहे हैं ना गाइस, प्रकृति हरियाली जो चाहते हैं ना गाइस, आने वाला मतलब जो समय है ना गाइस बहुत ज़्यादा प्रदूषित हो जाएगा, क्योंकि गाइस जैसे जैसे फैक्ट्रियाँ बढ़ रही हैं, जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है ना गाइस, वैसे वैसे फैक्ट्रियाँ बढ़ रही हैं गाइस, उत्पादन बढ़ रहा है हर चीज़ का गाइस, मांग बढ़ रही है मालों की। तो गाइस जो लोग हैं ना वो भी फैक्ट्रियों के उत्पादन कर रहे हैं गाइस, जो पानी हवा गाइस जो भी है सब दूषित होता जा रहा है, वाहन बढ़ रहे हैं गाइस, जनसंख्या बढ़ने के कारण से वाहन बढ़ रहे हैं, तो उससे गाइस पानी हवा सब दूषित हो रहा है गाइस। और गाइस जनसंख्या बढ़ने के चक्कर में हर जंगलों को काटा जा रहा है गाइस, तो उससे जो है गाइस जंगल पेड़ कम हो रहे हैं। अभी गाइस दो तीन दिन या एक हफ्ते पहले वाला जो पुराना किस्सा है गाइस वो बताता हूँ मैं आपको। अभी गाइस उत्तराखंड में कोई जंगल था, वहाँ पे एक साथ गाइस 2000 पेड़ों को काटा जाने वाला था। एक साथ गाइस 2000 पेड़ों को काटना यानी कि बहुत बड़ी बात होती है गाइस, वहाँ पे गाइस शायद पक्के मकान वगैरह बनाने के लिए एक साथ 2000 पेड़ों को काटा जा रहा था। बट गाइस वहाँ के जो लोग हैं ना गाइस, वहाँ की जो पब्लिक है गाइस, उन्होंने सपोर्ट किया, बच्चे से लेके बूढ़ा बड़ा सब गाइस आंदोलन में खड़े हुए, और वहाँ पे जो पेड़ कटने वाले थे गाइस उन सारे 2000 पेड़ों को बचा लिया। सो गाइस आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, ओनली फॉर अगर आप घर के बाहर या घर से कहीं दूर एक पेड़ लगा सको तो लगाना, वरना गाइस छत पर तो इस तरीके से मेरे टाइप से टेनिस गार्डनिंग आप कर ही सकते हो। सो गाइस इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाना, एंड वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। वैसे गाइस आज का जो हमारा काम है वर्क है वो हम शुरू करते हैं, पानी डालना पेड़ पौधों में, चलते हैं फटाफट। लेकिन गाइस उससे पहले जो हमने कल बुनाई की थी गाइस उसके बाद मैंने पानी भी नहीं डाला। सो गाइस मिट्टी मतलब थोड़े मोटे मोटे डीम टाइप जम चुके हैं, तो इनको गाइस हम हाथ से थोड़ा थोड़ा यूँ इस टाइप से कर देते हैं, पीस पीस का थोड़ा बुरादा टाइप, ताकि ये फैल जाए मिट्टी। इससे गाइस ये जो पेड़ पौधों के ये जो पत्ते हैं ना गाइस, वो जितने भी सूखे हुए पत्ते जो होंगे ना वो आपस में मिल जाएंगे। सो गाइस कंपोस्ट का काम करेंगे वो पत्ते, हमें गाइस पत्तों को बीनने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी बुनाई के बाद, इसीलिए। सो गाइस फटाफट से सारे गमलों में इस प्रकार से कर देते हैं हम, उसके बाद गाइस हम डालेंगे पानी फटाफट से। सो गाइस इधर साइड से भी करते हैं, इस गमले में जहाँ जहाँ दिखता है हमें वहाँ वहाँ हर जगह मिला देते हैं गाइस कंपोस्ट को, उसके बाद गाइस हम डालेंगे सारे गमलों में पानी। इंटरेस्टिंग ब्लॉग्स है गाइस। वैसे गाइस मेरे ब्लॉग्स आप लोगों को कैसे लगते हैं, और जो मैंने अभी बोला गाइस पेड़ लगाने का और या फिर टेनिस गार्डनिंग करने का गाइस, वो सब बताना, मेरी जो सोच है गाइस कमेंट सेक्शन में बताना कैसी है आने वाले युद्ध के लिए गाइस, आने वाले मतलब फ्यूचर के लिए गाइस मेरी जो सोच है वो कैसी है। सो गाइस कमेंट में बताना, अभी तो फ़िलहाल हम अपना वर्क करते हैं। सो गाइस इस गमले में भी कर देते हैं, ये तीन गमले गाइस बाकी रह गए थे, बाकी तो हमने सारों में ऑलरेडी कर ही दिया था। ये गाइस मैंने आपको दिखाने के लिए तीन गमले बाकी रखे थे ताकि आपको बता सकूं इस टाइप से करते हैं। अगर मिट्टी का ये इस टाइप से अगर ये हो जाए ना गाइस, इसमें पत्ते हैं गाइस, इसमें देखो ये पत्ता दबाओ इस मिट्टी में, तो गाइस इसको इस टाइप से मिलाना है ताकि ये जो कंपोस्ट का काम करेंगे ये पत्ते इसमें, इसीलिए। सो गाइस काम हो चुका है कंप्लीट, हमारा तीनों जो गमले हमने आपको दिखाने के लिए छोड़े थे गाइस मैंने, सो वो हो चुके हैं कंप्लीट। अब चलते हैं गाइस बाल्टी को लेकर मग्गे को यहाँ पर रख कर पानी भरने, और फिर डालते हैं गाइस पेड़ पौधों में फटाफट से पानी।
सो गाइस सबसे पहले बोलते हैं हम अपनी टंकी का ढक्कन, फिर निकालते हैं गाइस इसमें से बाल्टी से पानी, उसके बाद डालेंगे गाइस पेड़ पौधों में पानी। सो गाइस बाल्टी तो निकाल दी मैंने बाहर, चलते हैं फटाफट से डालते हैं पेड़ पौधों में पानी। इस बाल्टी को आगे लेते हैं, उसके बाद डालते हैं आगे वाले जो घूमने उनमें भी पानी। इस बाल्टी हो चुकी है खाली, तो अब डायरेक्टली बाल्टी से डालता हूँ पानी। वैसे गाइस आज बादल बहुत ज़्यादा गरज रहे हैं, इससे पता चलता है गाइस जो मौसम है रोज़ ऐसे ही रहता है, मतलब चिल्ड टाइप। सो गाइस अब हम जितने भी न्यू पौधे या न्यू बीज जो लगाने हैं गाइस वो सब कुछ हम कल वाले ब्लॉक में लगाएंगे, ताकि गाइस पहले ही वो पौधे बन जाएं, और जब गाइस उनका पौधा मतलब बड़ा हो जाएगा तो जल्दी से जो फूल आने लगेंगे गाइस उनमें सब्जी वगैरह के जो भी हैं, गुलाब के कल में भी लगाएंगे कल गाइस, बहुत सारे सब्जी के पौधे भी। इधर वाली लाइन में गाइस ये एक लास्ट रह गया ग्वारपाटा का गमला, उसके बाद डालेंगे हम सेकंड लाइन में। सो गाइस अब चलते हैं फटाफट से बाल्टी को भरते हैं, मग्गे को गाइस वहीं डाल देते हैं, फेंक देते हैं, क्योंकि गाइस मैं रखना भूल गया इसीलिए मैंने हल्का सा उसके साथ धक्का मार दिया ताकि हमें बाद में ना लेना पड़े। अब डालते हैं गाइस वापस से बाल्टी और पानी को खींचते हैं बाहर। सो गाइस पानी खींच लिया मैंने बाहर, चलते हैं बच्चे को गमलों में पानी डालते हैं, मग्गे को उठा के डालते हैं बच्चे को गमलों में पानी। गाइस पालक की जो ग्रोथ है वो देख ही सकते हो कितनी अमेजिंग हो चुकी है। सो गाइस और चेक करते हैं किस गमले में पानी की जरूरत है उसमें डालते हैं, ऐसे इन मटकियों में थोड़ा थोड़ा और डालते हैं। सो गाइस पानी का जो काम है वो हो चुका है कंप्लीट, बाल्टी को रखते हैं बाल्टी की जगह पर, इस बाल्टी को रखते हैं बाल्टी की जगह पर। अब लगा देते हैं फटाफट से टंकी का ढक्कन, सो गाइस जो बात मैंने आप लोगों को बोली है गाइस उसे ज़्यादा से ज़्यादा फैलाना गाइस और मन में उतारना गाइस। अगर आप लोग घर से बाहर एक पेड़ नहीं लगा सकते हो वो कोई नहीं गाइस, लेकिन छत पे तो गाइस मेरी तरह एक पौधा लगा ही सकते हो गाइस, पौधे से भी ऑक्सीजन ही मिलती है गाइस हमें, तो गाइस इसको सपोर्ट करो गाइस मुझे एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाओ। मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। एंड गाइस कल वाले ब्लॉग में हम करने वाले हैं सारे बीज एंड गुलाब की जो कलम होगी गाइस वो लगाने वाले हैं। सो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।